हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आप लोग वीडियोज़ एंजॉय कर रहे हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसे यूज़ कर रहे हैं, और जो घर पे बैठे हैं वो भी उसे फ़ायदा मिल रहा है उनको भी अपनी बीमारियों से। आज का जो रूब्रिक है वो है डिस्पाइसेस टू डिसरिस्पेक्ट एज नेग्लिजिबल वर्थलेस। राइट, डिस्पाइसेस टू डिसरिस्पेक्ट एज नेग्लिजिबल वर्थलेस। अब इसमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे वर्ड मीनिंग डिस्पाइसेस। डिस्पाइसेस का मतलब होता है टू हेट समबडी और समथिंग, कोई भी चीज़ से एकदम घृणा करना, नफरत करना, कुछ हम लोग उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस स्टेट पे पहुंच जाना, दैट इज डिस्पाइसेस। कि हम उस सिचुएशन से या वो चीज़ से या उस इंसान से हमें नफरत है, हम घृणा करते हैं, हम चिढ़ जाते हैं, दैट इज डिस्पाइसेस। अब डिस्पाइसेस टू डिसरिस्पेक्ट एज नेग्लिजिबल वर्थलेस। डिसरिस्पेक्ट यानी आदर सत्कार सम्मान नहीं करना किसी का भी, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अपने से बड़े हैं, चाहे कोई भी है। और नेग्लिजिबल वर्थलेस यानी नेग्लिजिबल वर्ड का मीनिंग है एकदम छोटा सा कुछ मिस्टेक जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम जाने दे सकते हैं बट ये नहीं करते। वर्थलेस यानी उनकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी नज़र में, पेशेंट की नज़र में उनकी फैमिली की या उस इंसान की या उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये अभी हमने समझा अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग, डिस्पाइसेस टू डिसरिस्पेक्ट एज नेग्लिजिबल वर्थलेस। अब इसको अगर हम पूरा एज अ रूब्रिक एज अ पेशेंट वर्जन समझेंगे तो उसका मतलब होगा कि जो पेशेंट जब से बीमार पड़ा है उसको अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत घृणा है, बहुत तकलीफ है, वो उस इंसान से चिढ़ रहा है, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अब इसमें जो पेशेंट रिलेटिव्स को साथ में आएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर साहब पता नहीं इनको क्या हो गया, जब से बीमार पड़े हैं तब से किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी मुंह पे आया उसको बोलते जा रहे हैं, मेहमान घर में आते हैं तो भी एकदम गंदे तरीके से बात कर देता है। ये जो मेरा बच्चा है वो तो अपने पापा का सुन ही नहीं रहा, उनको एकदम ऐसे गंदे तरीके से बोल रहा है, किसी के सामने कुछ भी बोल दे रहा है। सो दैट इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ एज नेग्लिजिबल वर्थलेस। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी डॉक्टर साहब घर में, हमने तो सिर्फ उसको ऐसे ही बोला था कि तू ये चीज़ आज मत कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसको उस चीज़ को इग्नोर कर सकता था वो, बट नहीं, उसने तो बहुत बड़ा कमेंटर कर दिया उस चीज़ को लेकर। उसने तो ये बता दिया कि भाई तुम्हारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरी नज़र में, मैं तो तुमसे नफरत कर रहा हूँ, इस हद तक वो स्टेट पे चले गया है। सो दिस इज डिस्पाइसेस टू डिसरिस्पेक्ट एज नेग्लिजिबल वर्थलेस। अब इसमें जो मेडिसिन है वो है एंड्रोकोटाइन, लेकेसिस, नक्स वोमिका, आर्सेनिक, पैलेडियम एंड प्लेटिना। सो ये मेडिसिन के जो पेशेंट हैं वो अपने से वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ भी उनको बुरा लग जाती है और वो नफरत करने लग जाते हैं अपनी बीमारी के स्टेट में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और ये रूब्रिक आपको समझ में आया होगा, और इसको हम क्लिनिक में ज़रूर यूज़ करेंगे, देखेंगे अमेजिंग रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट इन योर ग्रुप्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर लर्निंग एंड अपडेट्स। थैंक यू।